मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो वक्ता हैं, एक तो पार्लियामेंट के जो रूल और रेगुलेशन है उसको कभी पढ़ते ही नहीं। मैं लगातार 10 साल से उनके वक्ताओं को सुन रहा हूं। सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स जब आता है सभापति महोदय, तो उसमें रूल साफ कहता है कि जिस विषय के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स आया है, वक्ता केवल वही और वही बोल सकते हैं, किसी भी पॉलिसी डिसीजन के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती। मैंने जानबूझकर गौरव जी को ये नहीं रोका कि कांग्रेस की जो स्थिति इन 3 राज्यों में हार के बाद है, तो अगली बार कितने सांसद आएंगे नहीं आएंगे, तो कांग्रेस के जितने लोग बोलते हैं मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नियम कानून से इसका कोई मतलब नहीं। दूसरा, जहां से उन्होंने शुरू बंद किया वहीं से मैं शुरू करना चाहता हूं। एक कहावत है हमारे यहां सर कि अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। 47 में भारत स्वतंत्र हुआ और 47 से लेके 1990 तक 53 साल तक, 91 तक मतलब 54 साल तक सभापति महोदय, इस देश में लाइसेंस परमिट और कोटा राज रहा। लाइसेंस परमिट, यदि किसी को बनाना है कार तो बिरला जी की एम्बेसडर के अलावा कांग्रेस ने किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया, क्योंकि बिरला जी उनके संसद सदस्य होते थे, कांग्रेस के पदाधिकारी होते थे, कांग्रेस के लोग होते थे, वही बनाते थे। यदि स्कूटर बनाना है तो बजाज फैमिली ही बनाएगी। जमलालाल बजाज जी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, मैं उनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता, लेकिन यदि किसी को स्कूटर का लाइसेंस मिलेगा तो वह बजाज साहब को मिलेगा। यदि सीमेंट किसी को बनाना है तो रामकृष्ण डालमिया, आपको पता है सभापति महोदय कि अखबार भी रामकृष्ण डालमिया जी का परिवार चलाएगा, और यदि सीमेंट की फैक्ट्री बनानी है या इंडस्ट्री बनानी है तो डालमिया, तो टाटा बिरला डालमिया परमिट लाइसेंस कोटा राज में, चूंकि कांग्रेस आगे बढ़ी है इसीलिए आज इस दौर में भी उनको केवल और केवल बिजनेसमैन नजर आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 5G का ऑप्शन हो रहा है, 4G का ऑप्शन हो रहा है, किस कंपनी को भारत सरकार रोक रही है? मैं कांग्रेस को चैलेंज करता हूं कि किस कंपनी को भारत सरकार कह रही है कि तुम जो है टेलीकॉम में नहीं आओ? किस कंपनी को? आज सीमेंट बनाने वाले एक नहीं 50 हैं, 50 कंपनियां हैं। अहलूवालिया जो है मेहर में भी बना रहा है, तो रामको इंडस्ट्री जो है वो चेन्नई में भी बना रहा है। छोटे छोटे लोग जिनके बारे में उनको पता नहीं है वो सारे लोग सीमेंट इंडस्ट्री में। यदि आज ईवी का चल रहा है तो आपको पता है कि हम जिस तरह से इंसेंटिव दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, यदि आपको कार बनाना है कार बनाइए, आपको स्कूटर बनाना है स्कूटर बनाइए, और एलन मस्क तक को हमने कहा कि हम आपको सुविधा देंगे बशर्ते कि आप हमारे यहां मैन्युफैक्चर करिए और हमारे यहां लोगों को रोजगार दीजिए। क्या यह सब उनको दिखाई नहीं दे रहा? इसीलिए मैंने कहा कि यदि आपने आंख पर पट्टी बांध ली है तो हम क्या कर सकते? आज इस देश की इकोनॉमी, पूरी दुनिया ये कहती है कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह है। सभी लोग आप ये समझें कि अमेरिका जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश, यूरोप जैसा देश, जर्मनी जैसा देश, फ्रांस जैसा देश, जहां की जो क्रेडिट था, जो आप लोन देते हैं, लोन जो 1% 2% 3% पर मिल जाता था, आज वो लोन 10% में मिल रहा है। और 10% पर इसलिए मिल रहा है, आप बाइडेन का स्टेटमेंट देख लीजिए सभापति सर, या आप सुनक का स्टेटमेंट देख लीजिए, सारे लोग ये कहते हैं कि कोरोना के बाद हमने लोगों को इतना फ्रीबीज दे दिया, इंसेंटिव दे दिया, या इस तरह की इकोनॉमी को हमने तबाह कर दिया कि जो इन्फ्लेशन का रेट है पूरी दुनिया में, इन्फ्लेशन का रेट 10% से ऊपर है। और सुनक का तो एक बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट आया बाइडेन का कि हम इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं, इन्फ्लेशन के बाद यदि बैंक डिसाइड करती है तो आप जो है आपका इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां की आज इंटरेस्ट रेट कम है, इन्फ्लेशन हमने 5% के आसपास रख रखा है, चाइना की हालत खराब है, चाहे आप आम लोगों का आप देखें, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं जिसका भी उदाहरण लेना चाहते हैं, उन सबों की स्थिति यह है कि लोग अपने मकान का जो है किराया नहीं दे पा रहे, लोग अपने मकान का ईएमआई नहीं दे पा रहे, लोग अपने गाड़ी का ईएमआई नहीं दे पा रहे, लोग
वहां की जो हेल्थ व्यवस्था है वो सारी की सारी हेल्थ व्यवस्था जो है चौपट हो गई है। उस बीच में भारत की ही एक ऐसी इकोनॉमी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारामन जी जिसको चला रही हैं, जो कि पूरी दुनिया की तरफ आशा की नजरों से देख रही है कि एक इन्फ्लेशन इसने कंट्रोल करके रखा है, 5% इन्फ्लेशन है, और दूसरा हमारी इकोनॉमी 7% 7.5% के GDP ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। क्या ये आपको दिखाई नहीं देता? क्या इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को जवाब का धन्यवाद नहीं देना चाहिए? क्या इसके लिए देश को गौरवान्वित नहीं होना चाहिए? तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देता है। हमने दो तीन चीजें जो इकोनॉमी की बड़ी है, और जो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में हमने इनकम टैक्स के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए, इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए कुछ पैसे का उसमें प्रावधान किया है। वो प्रावधान क्या किया है सर? इस देश में जब GST लागू हो रही थी तो कई एक लोग ये कह रहे थे कि जो राज्य जिसकी की पैसा कम होगा, जिसकी इकोनॉमी कम हो जाएगी, जिसका कलेक्शन कम हो जाएगा, उनका क्या होगा। उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितना कंपनसेशन है हम कंपनसेशन देंगे, आप निश्चिंत रहिए, और हम जो आपको कमिटमेंट कर रहे हैं कि GST का कलेक्शन बढ़ेगा, GST का कलेक्शन बढ़ने के बाद इकोनॉमी जो है कम से कम 1.5 से 2%, ये मनमोहन सिंह जी ही कहते थे कि GST जिस दिन इस देश में लागू हो जाएगा उस दिन जो है अपनी जो GDP है वो 1.5 से 2% बढ़ जाएगा। आज क्या हाल है? आज स्थिति जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सभापति महोदय, तो 1,61,000, मतलब ये आप समझिए कि GST कलेक्शन पर मंथ हो रहा है, जबकि वो 80-90 हजार से ज्यादा नहीं होता था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, तो मैं समझ रहा हूं कि 17 लाख करोड़ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट टैक्स के लिए एक टारगेट फिक्स करके रखा था कि 12-13 लाख रुपया जो है हमारा कलेक्शन होगा, आज 25% ऊपर जाकर ये 16 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। उसका कारण क्या है कि हमने फेसलेस लागू किया, उसका कारण क्या है कि हमने GST में टेक्नोलॉजी लागू किया, और आज जितने चोर बेईमान लोग हैं जो टैक्स नहीं देने का कोशिश करते थे, आज भारत सरकार ही ऐसा है जहां की 9 करोड़ के आसपास, जब हमने चार्ज लिया 2014 में उस वक्त 3-4 करोड़ लोग ही टैक्स पे करते थे सर, आज भारत सरकार, कल ही मैं देख रहा था इनका जो जवाब है, 9.5 करोड़ लोग जो है इस देश में टैक्स पे कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी इस हिसाब से बढ़ रही है। लेकिन ये क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल की बात कहेंगे, अभी राजस्थान में चूंकि हार गए हैं, यदि सबसे ज्यादा महंगा, मैं ये सारे सांसदों को, पूरे देश को, सारे पॉलिटिकल पार्टी को सोचने का सवाल है कि GST के दायरे में दो चीजें हैं जो कि नहीं आई हैं, और आप बार बार ब्लेम जो है वो भारत सरकार को करते हैं कि पेट्रोल का दाम ज्यादा है, डीजल का दाम ज्यादा है, लोग परेशान हो रहे हैं, और दो चीज जो आपने छुपा रखा है, रोक रखा है, उसका कारण मैं समझ रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे यहां जो है एक रेड चल रही है सर झारखंड में, कांग्रेस के बड़े सम्मानित सांसद हैं, 3 बार के सांसद हैं, भारत जोड़ो यात्रा में 500 करोड़ के आसपास जो है कैश पकड़ा चुका है, आज हमारे संजय सेठ साहब ने इसको बड़ी प्रमुखता से उठाया भी, उसका कारण क्या, ये पैसा क्या है? मैंने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं का जो है स्टेटमेंट पढ़ा, वो कह रहे हैं कि ये पुश्तैनी उनका धंधा है, शराब के धंधे में है, शराब के धंधे में ये पैसा आया, मैंने बड़े बड़े नेताओं का जो है स्टेटमेंट पढ़ा। इसीलिए मैं सारे सांसद और पॉलिटिकल पार्टी के सारे नेताओं को कहना चाहता हूं कि GST के दायरे में दो चीज नहीं है, और उस दो चीज के कारण भारत की इकोनॉमी निश्चित तौर पर आम जनता प्रभावित हो रही है। यदि सभी कंसेंसस बनाइए तो भारत सरकार ने जो ऑफर किया है कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में ले आइए, फिर आपको यह कहने का मौका मिलेगा कि भारत सरकार के कारण जो है पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम घट रहे हैं, हमारे पेट्रोल, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी सरकार थी जहां की पूरे दुनिया में, पूरे देश में 12-13 रुपया यदि ज्यादा महंगा था तो राजस्थानी सरकार थी। आप पैसा कमाइए, ये तो रत्नाकर वाली बात हो गई सर कि रत्नाकर जो है पूरे परिवार के लिए चोरी करके पूरा घर चलाता था, लेकिन जब पाप लेने की बात आई तो उसका पूरे परिवार का कोई आदमी जो है शामिल नहीं हुआ। पैसा आप कमा रहे हो पेट्रोल डीजल में, आपकी जो सरकार है, चाहे वो हिमाचल की सरकार है, चाहे अभी छत्तीसगढ़ की सरकार खत्म हुई, चाहे राजस्थान की सरकार है, वो पेट्रोल डीजल का ज्यादा पैसा लेती है, और उसके बावजूद भी आप बिहार भारत सरकार को जो है ब्लेम करते हो। दूसरा, लीकर का पैसा जो ये जमा करते हो, जो सांसद पकड़ाए हैं,
तो लीकर को क्यों नहीं लाता है जीएसटी के दायरे में? तो एक पता चलेगा कि जो दाम जो है महाराष्ट्र में है वही छत्तीसगढ़ में, वही बिहार में, बिहार में तो खैर शराबबंदी है, झारखंड में, लेकिन आप इन दोनों को दायरे में नहीं लाओगे क्योंकि यह आपका मशीन कमाने, पैसा कमाने का मशीन है। दूसरा ये सर, ये डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, इसमें कुछ पैसे भी हैं। आप ये बताइए कि इस देश में किस प्रधानमंत्री जी ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अपनी कोई सोच रखी? जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो सबसे बड़ा जो है डिजास्टर, आप सभापति महोदय उसी राज्य से आते हैं, कच्छ में, और उसके बाद आपको ध्यान है कि कच्छ और सूरत दो ऐसे इंसिडेंट थे जिसने कि माननीय तत्कालीन जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, जो आज के माननीय प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी ही इस देश के पहले प्रधानमंत्री और एकमात्र प्रधानमंत्री मैं कहूंगा जिनको कि गांव गरीब और किसान के जान की चिंता है, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उसकी चिंता करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पहली बार भारत सरकार इतनी आग्रही है, और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, लोगों को लगेगा अभी उत्तराखंड का ये बड़ा इशू था, आप ये समझिए कि उत्तराखंड के उन 41 लेबर को बचाने के लिए कौन ऐसा देश था जिसके लिए कि भारत सरकार ने प्रयास नहीं किया, कौन ऐसी संस्था थी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, कौन ऐसी संस्था थी जिसको कि भारत सरकार ने टच नहीं किया? और मैं इसीलिए इस बारे में बड़े आग्रही इमोशनल हूं कि हमारे यहां एक रोप वे का जो है दुर्घटना हो गया सर देवघर में, काफी जाने जो है वहां फंस गई, एक दो लोग मर गए, और उसके बाद गरुड़ एयरफोर्स की जो गरुड़ बटालियन है जिसका काम केवल और केवल जो है विदेश में जाकर दुश्मनों को मारना है, उन बच्चों को बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए देवघर रोप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद मॉनिटर करके उन सारे लोगों को बचाया, और इंडियन एयरफोर्स ने जो है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। कहीं भी हो, नेपाल में हो जाए, टर्की में हो जाए, चाहे आप हिमाचल का अभी बाढ़ देख लीजिए, चाहे मैं आपको बताऊं चेन्नई में अभी एक पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीत का जश्न तो बनाओ, लेकिन कार्यकर्ताओं को उन्होंने आग्रह किया कभी चेन्नई में जो है बाढ़ आने वाली है, चेन्नई के साथ आंध्र प्रदेश में उसका इंपैक्ट होने वाला है, उड़ीसा में उसका इंपैक्ट होने वाला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने आग्रह किया। इसी तरह से मैं सोचता हूं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के भी लोगों को आग्रह करना चाहिए कि सब काम छोड़ो, डिजास्टर मैनेजमेंट में लगो, और भारत सरकार को जो है उन्होंने आग्रह किया और आज हम जान बचा पाने की स्थिति में। दूसरा सर, ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट मैं 2014 के पहले भी गया, अभी जो स्पीकर बोल रहे थे कांग्रेस के, नॉर्थ ईस्ट की क्या स्थिति थी, नॉर्थ ईस्ट की क्या स्थिति थी, नॉर्थ ईस्ट की स्थिति थी कि वहां जाने के लिए कनेक्टिविटी नहीं थी। आज त्रिपुरा तक रेल जा रही है सर, आज अरुणाचल तक रेल जा रही है, यदि आसाम से यदि आपको अरुणाचल कनेक्ट करना था तो एक पुल के कारण वो रुका हुआ था, वहां इंडस्ट्री जा रही है। मैं सिक्किम गया था सर, सिक्किम में जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है शायद भारत के पुणे को छोड़ दीजिए तो शायद किसी और जगह पर जो है उतनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, या हो सकता है कि हिमाचल के बद्दी में हो। आपको नहीं लगता कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अब यहां आना नहीं चाहते? नॉर्थ ईस्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सवाल हो, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का सवाल हो, चाहे बॉर्डर के ऊपर जो है पूरा अंतिम गांव तक रोड बनाने का सवाल हो, पहले गांव वही मैं कह रहा हूं कि 2014 के पहले आप बता दीजिए कि क्या सिचुएशन थी। यदि 2014 के पहले लोगों को शिमला जाना था, जो आसाम की पहले राजधानी हुआ करती थी, शिलोंग जाना था, शिमला में कहता हूं, शिलोंग जाना होता था यदि गुवाहाटी से, तो कितने घंटे लगते थे? 1972-73 की बात करिए, आज जो है शिलोंग जाने में मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगता है। शिलोंग में एयरपोर्ट आ गया सर, सिक्किम में एयरपोर्ट आ गया, अरुणाचल में एयरपोर्ट आ गया, आपको नहीं लगता? आपने क्या किया? ट्रेन पहुंच गई सब जगह, वही मैं कह रहा हूं ना, आपने क्या किया? आप कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, ईस्टर्न इंडिया, जिस इलाके से मैं आता हूं, जिस इलाके में आजादी के 75 साल बाद, संजोग से यहां मुंडा जी मुझे दिखाई दे रहे थे, वो मुख्यमंत्री जी के नाते गए थे शिलान्यास करने के लिए, आजादी के 75 साल बाद तक गोड्डा जहां से मैं सांसद हूं सर, वहां रेल लाइन नहीं थी। वहां यदि आपका एक मामूली एक्सीडेंट हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो उसके लिए एक डॉक्टर अस्पताल नहीं था,
एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन नहीं था जहां कि आप बच्चे को पढ़ा पाए। एक अच्छा स्कूल रामकृष्ण मिशन ने बसरते बहुत अच्छा बनाया था, 100 साल हो गया उसका, लेकिन आज वहां मेडिकल कॉलेज एम्स जैसी संस्था है, आज वहां एयरपोर्ट है, आज गंगा नदी पर जो है वाटरवेज है। केवल बंदरगाह जो है समुद्र में ही नहीं खुल रहा है, साहबगंज में हमारे यहां जो है गंगा पर बंदरगाह है जिससे कि माल ढुलाई का काम करें, जिससे नेपाल को हम सप्लाई कर पाए, जिससे भूटान को हम सप्लाई कर पाए। कोई 4 लेन का रोड जो है लोगों ने जिंदगी में नहीं देखा था, वो 4 लेन का रोड ईस्टर्न इंडिया में उतने छोटे जगह पर दिखाई दे रहा है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई ऐसी संस्था नहीं है भारत सरकार की जो वहां मौजूद नहीं है। ट्रैवल के लिए जिसके लिए कि हम जाने जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को जिसका काम किया, आप समझिए कि एक सिकल एनीमिया की बीमारी होती है ट्रैवल में, जिसके कारण कि वर्षों से ट्रैवल परेशान रहते हैं। देवघर एम्स को डेडिकेटेड माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिकल एनीमिया का एक सेंटर बना दिया, जिससे कि हम ट्रैवल के बच्चों को बचा पाए, इस तरह की बीमारी से बचा पाए। 100% प्रधानमंत्री आवास जो है सारे लोगों को मिलेगा। मैंने कहा सर, उस दिन मैंने दिखाया था, आज भी मेरे घाव है कि मैं मोटरसाइकिल से जाते हुए गिर गया। आज भी वहां लोगों को न प्रधानमंत्री आवास है, न पीने का पानी है, न स्वास्थ्य की सुविधा है, कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो ये 15 नवंबर को ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जनमन चालू किया है सर, इसमें उन्होंने कहा है कि 100% 100% कोई भी ट्राइबल होगा जिसको कि हम मकान बनाने के लिए 2,30,000 रुपया देंगे। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां की प्रधानमंत्री का जो है रोड नहीं जाएगा। कोई ऐसा घर नहीं है जहां प्रधानमंत्री जल नल योजना से पानी नहीं जाएगी। ये प्रधान किसने सोचा? ट्राइबल का तो आप वोट लेते रहे और आप कह रहे हो कि हम काम नहीं कर रहे। तीसरा सवाल है सर, इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में एक बड़ा सवाल है कि ये सबों को पता है कि जो रॉ मटेरियल चाहिए फर्टिलाइजर बनाने के लिए, चाहे वो यूरिया बनाने के लिए, डीएपी बनाने के लिए, नाइट्रेट बनाने के लिए, फॉस्फेट बनाने के लिए, कोई भी रॉ मटेरियल भारत में नहीं। ये आज का तो सवाल नहीं है सर, भारत कृषि प्रधान देश है। मैंने वाईबी चौहान बहुत बड़े नेता थे, उनका मैंने काफी बजट सुना है सर वित्त मंत्री के नाते। वो 75-76 तक एक ही चीज चिल्लाते रहे कि मैं ऐसा बदनसीब वित्त मंत्री हूं जिसको कि लोगों को खिलाने के लिए बाहर से अनाज लाना पड़ता है और इसके लिए अपने को किसान को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। आज किसान सशक्त है, हमको बाहर से अनाज नहीं लाना पड़ता है। लेकिन जब रॉ मटेरियल नहीं था, उसमें जब फर्टिलाइजर के लिए था, क्या भारत सरकार ने कभी कांग्रेस के समय सोचा कि हमको फर्टिलाइजर में कैसे सस्टेन करना है? यदि पूरी दुनिया में माइंस के ऑक्शन हो रहे थे, जॉर्डन में हो रहे थे, मोनाको में हो रहे थे, मोरक्को में हो रहे थे, 5-7 ही ऐसे देश हैं जहां की फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल मिलते हैं, क्या आपने कभी उसके साथ टाइप करने का कोशिश किया? आज भारत पहला ऐसा देश है, भारत पहला ऐसा देश है जिसने कि फर्टिलाइजर पर और खासकर इसके ऊपर निर्भरता कम करने के लिए, जिससे कि अपना जमीन जो है खराब नहीं हो, सॉइल खराब नहीं हो, इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ावा देने के लिए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी। भारत को ये गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि उसने इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा काम किया। आपके यहां गुजरात में कलोल में जो है यूरिया और डीएपी का जो है प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है सर। हमारे यहां देवघर में भी जो है यूरिया का प्लांट, नैनो यूरिया का प्लांट बन रहा है और डीएपी का बनने वाला है। लेकिन तब तक 550 किलो का जो बोरा किसान अपने माथे पर ढोता था, अब 500 मिलीलीटर का, और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाई है, मैं आपको यह बता सकता हूं कि जिस तरह से हरित क्रांति लाकर ये देश आत्मनिर्भर हुआ, उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो नमो ड्रोन दीदी का जो कॉन्सेप्ट है, ड्रोन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण जो है फर्टिलाइजर का और सारे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को वर्षों वर्षों तक इतिहास याद रखेगा, उनको सम्मान देगा। और किसानों की जो निर्भरता दूसरे चीजों पर कम होगी, उनका जो खेती खिसानी का काम आगे बढ़ेगा, वो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उस कारण से तब तक जब तक ये नैनो यूरिया और डीएपी में भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, ये फर्टिलाइजर सब्सिडी इसलिए दे रहे हैं कि किसानों का जो लागत मूल्य है वो ज्यादा नहीं बढ़े और 80 करोड़ लोगों को
जो हमको खाना देना है 2028 तक, जिसके लिए कि भारत सरकार, और कई एक लोग कहते हैं कि आप क्यों दे रहे हैं यदि इकोनॉमी बढ़ रही है, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है सर, इसके पीछे रीजन ये है कि मान लीजिए कि हम छोटे शहर में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं यदि अपने घर में रहते हैं, और अपने घर में यदि 10 कट्ठा जमीन में यदि हम अपना सब्जी पैदा कर लेते हैं, तो अपने को घर का किराया नहीं देना पड़ता है, सब्जी का पैसा नहीं देना पड़ता है, तो जो पैसा है वो बचत करते हैं। उसी कारण से जो 80-81 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अनाज देने का फैसला किया है, उसका कारण यह है कि आपको जहां नौकरी करना है आप करो, आपको अपने जीवन में जितना व्यापार करना है करो, आपके बच्चे को जहां पढ़ना लिखना है आप पढ़ाओ लिखाओ, आप खाने के बारे में आत्मनिर्भर रहो। खाना का जो जिम्मेवारी है वो भारत सरकार का है, माननीय मोदी जी का है, ये मोदी गारंटी है, और मोदी गारंटी के कारण आप, इसका कारण ये नहीं है कि भारत कहीं गरीब हो रहा है, उसका कारण नहीं है कि वो लोग गरीब हैं, उसका कारण ये है कि हम आपको उज्ज्वला गैस दे दिया, उसमें कौन सा ऐसा है? अभी तो हमने सेचुरेशन पॉइंट पे कहा कि जिसको उज्ज्वला गैस नहीं है उसको उज्ज्वला गैस दे दो। अब आपको बताऊं कि उससे भी आगे भारत सरकार आगे बढ़ गई है, पाइपलाइन से जो है गैस जाएगा, जो शहरों की स्थितियां थी आज वो गांवों में स्थितियां हम क्रिएट कर रहे हैं। हर जल जो गांवों में जो है आप जल से नल से जो है जल पीते थे, आज प्रत्येक हाउस होल्ड ऐसा है भारत में जहां कि हम उसको पानी पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम गांव में, जो विस्थापन और पलायन एक बड़ा विषय था और उस दर्द को इस पार्लियामेंट में कम लोग समझ पाएंगे, लेकिन झारखंड और बिहार के जो पूरे पूर्वोत्तर के हम लोग हैं हमसे ज्यादा नहीं समझ सकते सर। आज आप समझिए, मैं बार बार ये बातें कहता हूं कि मुंबई के लोग बड़े अपने आप को कहते हैं कि बहुत इनकम टैक्स देते हैं। मुंबई के लोग जब हम नौकरी करने जाते हैं या वहां रोजगार करने के लिए जाते हैं तो भैया कहते हैं, वो बिहारी कहते हैं। आप ये समझिए कि भैया और बिहारी गाली है, लेकिन कभी सोचा है कि वो मुंबई में जो लोग टैक्स पेयर हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग वो हैं क्योंकि इस देश का 50% माइंस और मिनरल्स केवल और केवल झारखंड देता है सर। चाहे टाटा की बात कर लीजिए, चाहे बिरला की बात कर लीजिए, किसी बड़े बिजनेसमैन की बात कर लीजिए, वो यदि झारखंड नहीं होता, छत्तीसगढ़ नहीं होता, उड़ीसा नहीं होता, बंगाल नहीं होता, चाहे कोयले का सवाल हो, चाहे माइंस का सवाल हो, चाहे मिनरल का सवाल हो, वो सब हमने दिया सर। हम जो मालिक थे, जिसने कि मुंबई को मुंबई बनाया, आज आप हमको गाली देते। तो इसी विस्थापन और पलायन को रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का कार्यक्रम किया। हम गांव में ही यदि सारी सुविधा दे देंगे तो निश्चित तौर पर सभी सभी लोगों को जो है इसका फायदा होगा, चाहे वो एजुकेशन का सवाल हो, मुझे पता है सर कि और भी लोगों को बोलना है, चाहे एजुकेशन का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे GER का सवाल हो, चाहे बच्चियों को पढ़ाने का सवाल हो, चाहे उनको रोजगार देने का सवाल हो। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक महीने आपको पता है रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, रोजगार हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस सरकार ने पिछले 10 साल में जो किया वो न भूतो और भविष्यति है। तैतृयोपनिषद का एक श्लोक है सर कि सर्वज्ञम विज्ञाता सर्व यौनिस्थ मातभू सर्व प्रभुर निस्मेकस्वंग सर्वरूप भाक। इस हाउस में जितने लोग बैठे हुए हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और निर्मला सीतारामन जी का कॉन्ट्रीब्यूशन पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो जो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं उनके लिए राम राम, जो स्वीकार करना चाहते हैं उनके तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। श्री